हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर के बजे हैं 10:30, और दोपहर सी हो जाती है जब सुबह से इतनी तेज़ धूप निकलती है। तो फिलहाल हमने क्लीनिंग के, डस्टिंग के, कपड़ों की धुलाई के सारे काम निपटा दिए हैं। आज प्रीति की भी तबीयत बेटर है, लेकिन आज और हमें इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा दोनों को, तो कल तक और फिट हो जाएंगे। तो माँ की भी तबीयत ठीक है। आज तीनों ने मिलके जो है अच्छे से घर को साफ किया है, नहीं तो 2-3 दिन से जो है काम चलाऊ क्लीनिंग हो रही थी और बहुत गंदा सा लग रहा था, मैसी मैसी सा लग रहा था पूरा घर। आज बहुत सारे बिस्तरों की भी धुलाई करी, बेड शीट वगैरह सब धो दी, क्योंकि कई दिन से वही पड़ी हुई थी और गंदी हो रही थी, पसीने की बदबू हो रही थी सारे बिस्तरों में। तो सब कुछ आज चेंज कर दिया है, धूप अच्छी खासी निकली है। सुबह का वेदर बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा, लेकिन फिलहाल देखिए कितनी तेज़ गर्मी हो रही, और कपड़े कपड़े पूरे आंगन में फैले हुए हैं। उधर पिताजी ने सारे पशुओं को अंदर बांध दिया, और गुड्डू के पापा के यहाँ घेर में बरा को जो है एक सार करवाने के लिए ट्रैक्टर लगवा रखा वहाँ पे। तो मुझे तो कई दिन हो गए गए हुए, और प्रीति को भी। जब वहाँ पे मिट्टी का काम चल रहा था तब तो हम जाते रहते थे, लेकिन उस दिन से तबीयत खराब हुई, उस दिन से तो कोई भी नहीं गया हमारे में, तो घर के काम नहीं निपटते हमारे में, कहना प्रीति का। तो चलिए जी, खैर अब करेंगे खाना बनाने की तैयारी। खाने में बनेगा वही लौकी, और आज मैंने चने की दाल भिगो दी है। लौकी चने की दाल बनाएंगे, पतली सी, रात में बनाई थी तोर की दाल, तो सबको काफ़ी टेस्टी लगी थी। माँ बोली दाल के साथ में ना थोड़ी सी पतली हो जाएगी सब्जी, तो वो ठीक रहेगी लिक्विड सी टाइप के लेने के लिए, वो लग खाना मैं तो जी बहुत ठीक है आज हम दोनों। और चाचा जी भी, बल्कि पिताजी तो डांट रहे आज ठीक सी होगी, तो आज इतने सारे काम में लग गई एकदम से, कपड़े इतने ज़्यादा, थोड़े थोड़े करके धो लेते, लेकिन कोई बात नहीं, हमने धो ही दिए। सुबह जल्दी लगा दी थी प्रीति ने अर्ली मॉर्निंग में ही मशीन। बिजली का बिल भी आ गया, और देखो जी चलो पानी पिया करते हैं भैया को, क्योंकि भैया है हमारे सब्सक्राइबर, पहले पूछते थे तो सबको पूछते हैं, अच्छा लगता है। देखो ये भैया हमारे सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छे से हमें जानते हैं। आ जाओ अंदर बैठो, चाय पानी पियो, और अभी ये बिल निकाल ले। लो चाचा जी पानी पिए ना, कब से देख रहे हैं आप? अच्छा चलो देखते रहो, और ऐसे ही शेयर करते रहो सबको। तो जी बिल निकालने वाले भैया ने कहा कि सौर ऊर्जा का कुछ प्लान लगवाओ, नहीं तो बिल जो है बहुत महंगा आ रहा, 3,000 का बिल है, तो वे एडवाइस देंगे। मैंने कहा घेर का थोड़ा दूसरा बिल हो जाएगा ना, तो 50-50 में आ जाएगा, तो फिर वो ज़्यादा वाट में नहीं जुड़ने का, तो फिलहाल तो ज़्यादा ही चल रहा बिल का हिसाब किताब। चलो जी खैर जितना भी आवेगा खर्चा तो यही है घर में, कितने सारे पंखे चले हैं, फ्रिज चले हैं, और वॉशिंग मशीन है, कपड़े भी बहुत धुले हैं, तो खर्चे तो है ही हैं, तो बिल तो आवेगा ही। किसने भेजा है? बख्तावर करनी तो क्या भेज दिया उन्होंने, मना कर तो कर तो भी। एक काम करूंगा, जाग तो क्या आने से पहले से मैं तो सारा सामान काट लू, सारे के मालिक बन जा। हाँ पेंसिल रबड़ कटर हर जाग तो कतर ही तो आए, आवे तो कतर भी तो आवे, हम भी तो काम करते होंगे कुछ है, आवे तो बच्चों जागतों का काम, जागतों के काम की चीज तो जागतों के काम ही आवे। ये भगवान दे कहीं के चक्कर में बढ़ गए जी आप, पहल तो बात क्या कहूँ मैं, कहने के लिए शब्द नहीं है। चलो इसकी ओपनिंग करते हैं अभी, कहाँ से बोला रहे हो? बजाज की है। ये देखो जी ये बैग, और इन बैग में सामान, और माँ वगैरह जब हमारी यात्रा शुरू होगी घूमने के लिए आगे, तो माँ को तो बहुत की फायदे लगा, अपना मकान का अपने अपने कपड़े गा लगे, पिताजी को दे देंगे, एक माँ को दे देंगे। दो बैग पहले है से रिबोक के, तीन बैग है पहले से रिबोक के, है ना इनके मतलब ये भाई। ओहो जी हमारे लिए कपड़े फेर से आगे आवाज ना बजे आ रही। ये देखो मेरा प्रीति का सूट है, हमने अंदाजा लगा लिया। कौन सा लेगी प्रीति? मैं पिंक कलर का, पिंक लेगी, पिंक मेरे बहुत हो गए तो मैं येलो सिलवाऊंगी। तो मेरे पास साड़ी भेजी थी इन्होंने, साड़ियां भी हम यूज कर रहे हैं बहुत अच्छी है, और ये सूट फिर सिलवा लेंगे अपना। और क्या सूट तो किफायती है, दोनों के सूट हैं, सूट तो किफायती है, पहनने भी जावे जल्दी जल्दी। तो कंफर्टेबल ले गए साड़ी, तो हम ओकेशन में पहन लेंगे किसी, लेकिन सूट तो हम कभी पहन ले। आशीर्वाद है सबका, आशीर्वाद है आप सबका। हार उसके नाम का पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, और सबके कपड़े पहले की तरह अलग अलग ही भेज रखे इन्होंने। हार उसके है तो कपड़े, ये कपड़े हैं और उसके दिखे पैंट और टी शर्ट, तो 12-13 साल का हो जाएगा जब तक भी उनकी दी हुई पैंट पूरी साइड ही चलो जाएगी। सारी मैंने रख रखी, वो बड़े बड़े भेजे हैं
देखो ये वाली पैंट भी बिगाड़नी है साथ, अगले साल आएगी इसके। ये वाली पैंट है और इसके साथ में रेड टी शर्ट और आरुष जितने भी कुर्ते पजामे पहनता है वो उनके दिए हुए पहनता है। मैंने उसका एक कुर्ता पजामा एक भी नहीं सिलवा अब तक, कपड़े भी उसके बहुत कम लावे हम। ये देखो अब की बार ये वाले कपड़े भेजे सुंदर लगे, अभी तो और भी है ये होगी। कपड़ा भी अच्छा है, कपड़ा भी बहुत बढ़िया है, ब्रांडेड कपड़े है एकदम से। एक ये होगी और रेड कलर एकदम बहुत अच्छे हैं, सबसे ज्यादा पहन रहे हो। और रेड थैले में है, रेड कपड़े रेड ही थैले में है, सबसे की फायदी बात ये है। ये देखो जी आ जाओ आप भी आ जाओ, देखो देखो आ जाओ आप भी देख ले करो कभी कुछ। मिस्ट्री बॉक्स खोल के लगा दिया, अनबॉक्सिंग हो रही है अभी आया पार्सल। अच्छा ये देखो जी, ये देखो चिट भी लिखेगी अत्ते खोल भी दिया। हां जाग तो गाने तो पहले दावा बोल दिया आज तो अंदर आ नहीं रहता जब कोई पार्सल आ गया। गुड्डू चिंकी आरुष सबकी इसमें देखो आप खोल के। और ये है चिंकी का सूट सलवार प्रिंट वाला, ये देखो कॉटन का है। अरे वो सामान है यार, इतना बच्चों गर्मी में कमा दो यार। एक बैग ही रहा कीरिंग कीरिंग है, सारा सामान दिखा दो ना। ये सब कीरिंग है, देख के कीरिंग है। और ये है गाड़ी में लगाने का, आपकी पहले इंतजाम हो गया। अच्छा जी देखियो एस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जा रही थी मैं कुछ दिन पहले और ये वहाँ से ही ला रखा उन्होंने स्पेशली। ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया से आया सबके लिए है सामान। और इसमें नेकलेस है गुड्डू, उल्टा हो रहा है तो पार्सल में। ये गुड्डू का नेकलेस ये देखो कितना अच्छा है, ऐसी आ गई है थोड़ी सी ऐसी आ गई ना। ये इतनी सारी पेंसिल ये देखो और इसमें भी है कलर है ड्रॉइंग है और ये कच्ची पेंसिल है। सबसे ज्यादा खराब अच्छा बॉक्स भी है आरुषि का नंदी के हैं दोनों पिंक कलर के, क्योंकि ये देखे है ना व्लॉग में इनको पिंक कलर दोनों को पसंद है ना इस वजह से। और ये चिंकी का है सारा ज्योमेट्री बॉक्स और ये हो गया नंदिनी का। चलो पहले से डब्बे को एक साइड में रख देते हैं अभी। ये हो गया नंदिनी का कॉटन का, बहुत अच्छी ड्रेस है, अगर उसने आज देख ली तो आज ही पहन लेगी से। ये देखिए ये हो गया और एक ये हो गया। ये देखो आरुषि के भी आ जाएंगे तो कपड़े, बहुत अच्छे कपड़े हैं और आपकी पसंद बहुत अच्छी है जो आपने कपड़े भेजे हैं बच्चों के लिए। और ये है आरुषि का और पिंक कलर शेड तो जरूर आएगा कपड़ों में, मुझे पता है क्योंकि दोनों को पिंक कलर पसंद है। आपकी बार ये वाली पैंट ज्यादा बेहतरीन लगी मुझे क्योंकि ये नीचे से निकल लेगी नहीं, इलास्टिक है ना इनमें देखो। और सारे गर्मियों के कपड़े हैं पहनने के, मम्मा के घर जाने का बढ़िया इंतजाम हो गया। एक जोड़ी कपड़े ये है आरुषि के, ये भी पैंट सेम है लेकिन कलर चेंज है। ये वाली पैंट बढ़िया लगी यहाँ से देखो है ना, ये नीचे नहीं गिर सकेगी बिल्कुल, तो कंफर्टेबल है दोनों बहन भाई पहन लो चाहे लोअर टाइप है लोअर टाइप के। तो जी कपड़े बहुत अच्छे लगे और सारा सामान ये था और बैग ज्योमेट्री बॉक्स। तो जी आपकी पसंद बहुत अच्छी है, ये दोनों के गिफ्ट हो गए गुड्डू चिंकी के, दोनों के सूट है प्रिंट अलग अलग है और कलर भी अलग अलग है। कॉटन का कपड़ा है, प्रीति तुझे कैसे लगे? तो बहुत बढ़िया लगे, बढ़िया लग रहे हैं सारे कपड़े बच्चों के भी और बड़ों के भी छोटों के भी सबके बढ़िया है। तो जी थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और इन सब भी देखो आपका प्यार सबसे ज्यादा जरूरी है, नहीं लगते लेकिन आप इतने प्यार से भेजते हो बच्चों के लिए फिर हम ज्यादा मना भी नहीं कर पाते। तो अब की बार आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, खुश रहिए स्वस्थ रहिए और हमारे ऊपर अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। तो ये जो गिफ्ट है ये मुंबई थाने से आया हम लोगों के लिए, एक पार्सल रिसीव हुआ था हमें दीपावली के टाइम पे और ये होली का पार्सल है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे अपनी बेटी के पास में, उनकी देती की जन्मी थी तो उसमें वहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन था, पूरी फैमिली उनकी वहीं पर थी तो सब कुछ अच्छे से हो गया। वैसे बीच बीच में मेरी उनकी बात होती रहती है लेकिन मुझे इस वाली चीज़ों के बारे में नहीं पता था बिल्कुल भी, ये अभी मुझे सरप्राइज मिला है उनकी तरफ से। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से, बहुत अच्छे कपड़े हैं और 12-13 साल तक आरुष तो इनमें ही बड़ा हो जाएगा कपड़ों में, पैर पैर के इतनी बड़ी बड़ी पैंटें हैं वो तो सारे कपड़े पहनती हूँ वैसे।
तो माँ भी बहुत खुश हो रही देख देख के। देखो तो फिलहाल माँ की यात्रा पे जाने की तैयारी, और मैं माँ को बोल रही कि ये सूट आप सिलवाओ, क्योंकि चिंकी जो है वो सूट सलवार नहीं पहनती ना अभी, तो माँ पहनेगी तो बहुत अच्छा लगेगा, और माँ को यात्रा पे जाना ना वैष्णो देवी, तो इस वजह से नए कपड़े चाहना कोरे पहनने के लिए। तो मैं तो ये कह रही एक तो ये हो जाएगा, देखो सिंपल है, सिंपल का सिंपल, और एक ही हो जाएगा ये। प्रिया पे सिलवाया था बढ़िया वे, यू नया का नया नहीं रखा क्या? कोरे कपड़े चाहे ना पहनने के लिए, अमित नु कह रहा था साफ कपड़े दिलवाइयो माँ, ठीक है। पर फिर क्या पता चले भी ना जावे, खच्चर पे बैठ के जाना पड़ा, कुछ पता लगा है नहीं, तो साड़ी में कंफर्टेबल नहीं लेने के, सूट में रहोगे ज्यादा। तो चलो अभी से बार धन्य को सबको संगवाओ, एक और कढ़ाई आ गई हमारे लिए बनाने के लिए, बच्चों के नए नए फरमाइश चलती रहती है डेली, तो अभी माँ ट्राई करके देखेगी। चल माँ के सूट सलवार पहनने भी मैंने बंद करे, मैं माँ को सूट सलवार सील कर देती ना, तो माँ फिर सारे कपड़े सूट सलवार पहनने लगी। मैंने सोचा इस उम्र में माँ को जितना कुर्ता और धोती अच्छा लगता है ना पहन के, तो उतना सूट सलवार भी बढ़िया लगता है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन फिर भी समय के अनुसार माँ की सारी साड़ी ऐसे ही रखी हुई थी, फिर मैंने एकदम से बंद कर दिया माँ के सूट सलवार सिलवाने। तो ये तो इसलिए सिलवा रही मैं, ताकि यात्रा पे जाओगी ना माँ तो अच्छा रहेगा ये, नहीं तो आज मैं ले गया आती इनके लिए, क्योंकि अभी तो ये 25 तारीख के बाद में जाएंगे ना, तो तब तक तो इनके कपड़े सिलकर तैयार हो जाएंगे, पिताजी के भिजवा देते एक दिन प्रीति ने। चलो जी इस सामान को अब संगवा देते हैं यहाँ से, सारा का सारा बारदाना उठा देते हैं, और प्रीति ये कपड़े उठा के रख लेगी, मैं यहाँ उसके रख लूंगी, और अपने अपने सूट ले लेंगे बस। तो माँ ने देखो पहन के देख लिया, उसके ऊपर ही कुर्ता और साड़ी के ऊपर ही गिला कर देगी, वह बढ़िया होगा यहाँ देखो, माँ ने उसके ऊपर साड़ी के ऊपर ही पहन लिया। फिलहाल डिसीजन ले लिया माँ के कपड़े देने का सिलने, तो ये वाला सूट जाएगा, और हमने भी अपने निकलवा लिए, मेरे वाले में तो अस्तर भी है, अब तो भाई फैंसी फैंसी बनवाऊंगे कुर्ती इनकी। और माँ कह रही पैंट बनवाइयो, अभी का जुकर सब पह रहा है पैंट प्लाजो, हमने तो अस्तर के लिए तैयार कर दिया, इसका अस्तर मैं ले आऊंगी आज जाऊंगी, तो अस्तर ले आइयो, इसकी बनवाऊंगी मैं कुर्ती, हाँ कुर्ती टाइप सोना लगेगा, सुंदर लगेगा, पैंट प्लाजो माँ की सलाह के अनुसार। और जी चलो अभी ना उठा के रख देते हैं और बच्चों के आने से पहले, आज तो पता ही नहीं लगने देंगे, बस सरप्राइज ही देंगे भाई, थारा गिफ्ट आ गए, थारे सामान आए, बता बता देंगे बस, कपड़े तो बाद में ही परावांगे उन्हें। अभी मैं ऊपर आई थी किसी काम के लिए, तो यहाँ पर देखा माँ ने पुराने वाली खांड जो है सूखने के लिए डाल रखी है, क्योंकि इसे छान लेंगे और इस्तेमाल करेंगे, तो अभी और नई मंगा ली है ना, तो उसके लिए आज बर्तन जो है एकत्रित कर रहे थे कि किस चीज़ में क्या सामान रखना चाहिए। वैसे भी गुड़ शक्कर जो है वो रखा है ऑलरेडी, लेकिन गुड्डू के पापा ने गुड़ शक्कर जो है 10-10 थड़ी मंगाया था, ताकि बरसात के मौसम में ना गुड़ शक्कर ख़राब होने का, कैसा भी बनवाऊँ वो ख़राब हो ही जाता है, तो ये जो है पूरे एक साल तक आराम से चल गई। देखो ये डली जो है वो अलग निकल जाएगी, और छनकर ये बारीकी हो जाएगी सारी की सारी, और चावल के साथ में तो बहुत टेस्टी लगती है। तो शुगर में जो है चीनी से अब हमने छुटकारा पूरी तरह से पा लिया है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें एकदम नेचुरल जो बनती है वो ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो तो ये है कि जब भी कोई बीमारी आती है पूरे घर में एकदम से वायरल सा फैल जाता है, तो कोई नहीं बचा था इस बार भी बुखार से। अब तो मेरी और प्रीति की तबीयत आज बहुत ठीक है, और आज मैंने ये वाला दुपट्टा ले रखा है, ये प्रीति मेरे लिए लेकर आई थी, इस पर गोटा भी लगवाया, और इसका कलर मुझे बहुत बढ़िया लगा है, क्योंकि ऐसे दुपट्टे ना डार्क कलर के मेरे ऊपर जचते हैं, प्रीति बोलती है ऐसा। तो चलो जी चलते हैं अभी नीचे, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा शोर सारा पड़ रहा, इस वजह से मुझे लगा कभी बंदर आ गए, माँ ने कहा था कि ध्यान रखना उधर का भी, क्योंकि नीचे भी पड़ा हुआ है थोड़ा सा सामान बाहर मिट्टेगा और ऊपर भी, तो ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी नंदनी तो आ गई है स्कूल से, पिताजी चले गए हैं बस स्टॉप पर बच्चों को लेने के लिए छोटे वाले, और अब बनाएंगे खाना, मैंने दाल जो है वो भिगो कर रख दी थी, और लौकी भी चाचा जी से मंगवा लिया एकदम ताजी वाला, और देखो पूरे आंगन में सेल सी लगी हुई है, पूरे आंगन में कहीं कुछ सूख रहा कहीं कुछ सूख रहा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें बार बार सुखानी पड़ती है। ये क्या कह रहा आपको, क्या कह रही बहुत सारे प्रोटीन हो गए हैं, ये बताइए हमें खाने के लिए, लौकी ना बनाओ आलू बना लो, या आलू के फ्रेंच फ्राइज बना लो, या आलू वाला मप्पा बना लो। ये देख लो ये छोटे छोटे चुटकु बुटके से, हमें इस टाइम में ना कुछ भी नहीं पता था क्या खाना क्या नहीं, जो बन जाता वही खा लेते हैं, हमें पेट भरना हमें तो, और ये छोटे छोटे है भी अपनी फरमाइश बताते रहे यहाँ से, प्रीति अंग्रेज बननी बिल्कुल। अभी कितने दिन हुए हमने एसी लगवाया था, लेकिन उसकी गैस लीकेज है, क्योंकि बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा वो, कल भी सर्विस वाले आए थे उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, आज दूसरी टीम आएगी तो उसे भी ठीक कराना है आज, क्योंकि अब गर्मी में तो जरूरत पड़ेगी भाई, देखो अब ज्यादा गर्मी हो रही 3 दिन से और जरूरत सी महसूस हो रही, तो सारे के सारे फिर वहीं पे लौट जाया करेंगे,
और ये नंदनी फेरे इसी का लुप्त उठा देगी। ये देखो बहुत सारी बातें बना रही आती वहां से स्कूल से, और सोफे का कवर जरूर इसे खराब करना। कुछ तो ये सोफे के कवर फिसलते रहे, बार बार हम ठीक करते रहे ना, लेकिन ये बच्चे बिल्कुल नहीं समझते। तो यहाँ पे कपड़ों का तो फाइनल हो गया था, अभी माँ तो दे रही अपने कपड़े सिलने के लिए। इस कमरे में माँ लेट रही है, इस कमरे में। आज तो मेरे सारा बुरा बुरा हाल लग रहा ना, जब किचन को सवेरे साफ कर दिया ना तो साफ ही नजर आ गया। देखो आज एक भी मक्खी नहीं है, क्योंकि किचन में मैंने साफ करके अलाउट लगा दी थी। अनि तो बहुत परेशान करा है, मक्खियाँ इतनी ज्यादा हो रही। तो यहाँ पे अभी इसमें थोक लग रहा। ये देखो सिंपल से तरीके से एकदम लौकी, हरी मिर्च और ये चने की दाल चली गई कुकर में। हाँ खोल दूँ, लाओ मैं खोल लूँगी। लो बेटा बस पियो, जियो मेरे लाल, पियो पानी। केड़ा खाओ क्या आप? मैं सुबह नारियल पानी, वो नारियल जो सामने कहते हैं ना, मगर इसमें कुछ नहीं है, उसमें थोड़ा सा पानी काट दा, वो फ्रिज में रख दिया। मुझे बताया मैंने वो कटोरी इसमें बाहर रख दी, मैंने सोचा थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, जब पी लूंगी। माँ ने पिंडा भी दिया, मैंने सोचा ये तो कुछ वैसे ही रख रखा। वो खाली का नाम था तो खाली रह गया, पोपट हो गया। आज एक कटोरी नारियल का पानी बिरान हो गया। वैसे ही 60-70 रुपए का नारियल मिल रहा हमारे यहाँ से, तो आम हम खा नहीं सकते, केले बंद है, आम भी बंद है, तो नारियल पानी पीना हमें। अंगूर खत्म हो गए, अंगूर तो रखे नहीं, तो मिर्च है, अंगूर तो रखे थे कल, खत्म कर दिए इन्होंने, खा लिए। अच्छा आज खीरे भी खत्म हो गए, खीरे खावेगी, अंगूर खावेगी, बंगूर खावेगी, केला खावेगी, नारियल पानी पिएगी, गोला खावेगी, और क्या खावेगी, फ्रेंच फ्राइज खावेगी। ये देखो ये हकीकत, खाने की चीज में एक भाभी नहीं भरी, और वैसी चीज पर अड़कम सड़कम भाभी भर दी। तो इसके पापा गए हैं भट्टे पे ईंट तय करने के लिए, कल ढूंढ के तो आ गए थे वे, तो वहाँ पे कुछ पेमेंट भी करना है, तो गए हैं अभी भाई साहब को लेकर। और इसे लेकर आया गगन, क्योंकि उन्होंने फोन कर दिया था कल, इसे गाड़ी में ही आना पड़ा इस वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।